तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्लावर्स, जो कि सारे नोजल से बनाएंगे। बट एक क्वेश्चन था हमारी सिस्टर का, तो देखो ये वाला नोजल था जो मैंने कल के केक में यूज़ किया था। तो ये सारे नोजल से हम लोग टर्निंग टेबल के ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सारे फ्लावर्स। कल हम लोग रोज नेल्स पे, जो जो रोज नेल्स होता है जिसे घंटी कहते हैं हम लोग, तो उस पर कल मैं वीडियो डालूंगा। आज हम लोग टर्निंग टेबल पे ही फ्लावर बनाएंगे, सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहला नोज़ल आपने देखा कि ये वाले नोज़ल से मैं बना रहा हूँ, रोज नोज़ल से। तो इस तरीके से आपको शेक करते हुए आपको फ्लावर्स बनाने हैं। नीचे का जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, वो सिर्फ फ्लावर को उठाने के लिए हम लोग बनाते हैं, ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन करते हैं। आप लोग एक राउंड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 राउंड किया हुआ है। कलर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये सिंगल कलर के फ्लावर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर को यूज़ किया है। और इसके ऊपर हम लोग एक लगा देंगे गोल्डन बॉल। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वाइट क्रीम लगा सकते हो या कोई येलो क्रीम लगा सकते हो, तो मैं एक गोल्डन बॉल लगाती हूँ। तो जितने भी फ्लावर्स हैं आप लोग को याद रखना है, सारे फ्लावर्स के ऊपर आपको डार्क कलर यूज़ करना है। डार्क कलर करोगे तो फ्लावर अच्छे से आएगा, लाइट कलर करोगे तो वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि व्हिप क्रीम के ऊपर लाइट कलर आप लोग स्प्रे करोगे तो वो फिर बाद में गंदा लगने लगेगा। तो ये है दूसरा फ्लावर। इसको तो आप लोग हल्का सा शेक करते हुए आपको करना है, और कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पिंक कलर किया हुआ है, बीच में ऐसे ब्लैक किया हुआ है, आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ी सी डिज़ाइन और बढ़ा सकते हो तो इस तरीके से। तो ये हो गया दूसरा फ्लावर हमारा। तीसरा फ्लावर भी सेम प्रोसेस है, नीचे का सारा सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि नीचे से हमको फ्लावर उठाना। और ये तीसरा जो फ्लावर है, तो ये कमेंट था उसके लिए भी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हैंड शेक करके मैंने बनाया है। और इसके ऊपर मैंने रेड कलर डाला है, और इसके ऊपर जब वो डिज़ाइन करेंगे ना हम लोग, तो उसके ऊपर कोई लाइट कलर का यूज़ करेंगे, जैसे येलो या पिंक। एंड हाँ, येलो पिंक ही लाइट कलर होता है, बाकी अगर आप ग्रीन या ब्लू यूज़ करोगे ना डार्क पे डार्क, तो वो फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये वाला फ्लावर आपने देखा था, तो एक कमेंट भी था कि भैया फ्लावर की डिटेल वीडियो बनाओ। तो ये देखो इस तरीके से मैंने बनाया था, वो तो मैंने नेल्स पे बनाया था, मैंने टर्निंग टेबल पे बना रहा हूँ, इस पर मुझसे बनता नहीं है, मैंने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ बना दिया। तो ये लगा दिया मैंने एक गोल्डन बॉल, जिससे फ्लावर्स थोड़ा अच्छे से दिखे। आप लोग केक के ऊपर फ्लावर लगाने के बाद भी बॉल्स को यूज़ कर सकते हो, बट मुझे फ्लावर दिखाना था तो मैंने इसे दिखा दिया। तो ये तीसरा है फ्लावर हमारा। तो ये भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा इसकी जो पंख है ना वो थोड़ा ज़्यादा खिल के आना चाहिए, एकदम प्रॉपर वाला। तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आएगा। फ्लावर सेम है बट डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है। इसमें मैंने ब्लैक का यूज़ किया है, पूरा डार्क और वाइट कलर से ऐसे डॉट डॉट कर दिया है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पता नहीं कितने बने अभी तक, मुझे याद भी नहीं है। तो ये है नेक्स्ट फ्लावर। सारे फ्लावर्स को आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि केक के ऊपर यही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये है दूसरा नोज़ल। अब इस वाले नोज़ल से सिर्फ 2 ही फ्लावर्स बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो इसी नोज़ल से मैंने साइड वो नीचे का कर दिया, आप लोग कोई और नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसी नोज़ल से कर दिया, मतलब मुझे पाइपिंग भरना पड़ता। और ये देखो, बस मैं सिंगल लाइन ही करूँगा, तो ये सिंगल लाइन, बस एक ही बार में ये फ्लावर हो गया। फ्लावर के लिए आप लोग क्रीम जो है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, एकदम एवरेज होना चाहिए, तभी आपके फ्लावर अच्छे बनेंगे। और क्रीम को जैसे ही व्हिप करो, सबसे पहले फ्लावर बना लो, तभी अच्छे से आएगा, वरना फटने लगेगी। तो ये यहाँ पे पहले मैं पहला राउंड ऐसे खड़े करके नोज़ल को करा हूँ, और दूसरा राउंड जो है हमारा व्हिप सॉरी बेंड करके किया हूँ। तो 2 पंख निकल गए, एक बड़े एक छोटे, तो इसको भी हम लोग अपने हिसाब से कलर कर लेंगे। जो भी आपको कलर यूज़ करना है, आप लोग केक के हिसाब से कलर को यूज़ करना, जैसा आपका केक है और जो इस पर अच्छा लगे वैसा ही कलर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का यूज़ किया, अंदर मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया, उसके बाद पिंक कलर का यूज़ किया, जो मुझे अवेलेबल जो भी मेरे पास था। आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स डाल दी, और ये हो गया फ्लावर हमारा रेडी। तो ये होने के बाद हम लोग अब बनाएंगे दूसरे नोज़ल से, जो कि ये बॉर्डर वाला नोज़ल है, जो स्टार, और आप लोग कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ होम बेकर्स के पास फ्लावर नोज़ल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप लोग बॉर्डर वाले नोज़ल से भी इस तरीके से फ्लावर कर सकते हो। तो इससे 2 फ्लावर्स बनाएंगे। पहला फ्लावर जो है ये है, आप लोग टेंशन ना लो, केक पे लगने के बाद ये फ्लावर ही लगेगा,
ऐसे नहीं लग रहा है, बट केक पे लगने के बाद फ्लावर लगेगा। तो ये हो गया हमारा। अच्छे से इसके अंदर कोई भी जेली ऐड कर सकते हो, व्हाइट क्रीम ऐड कर सकते हो, बॉल डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैंने जो मुझे लगा मैंने ऐसा एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गया है पहला फ्लावर। दूसरा फ्लावर के लिए भी नीचे की जो सेटिंग है ऐसे ही करनी है, क्योंकि ये फ्लावर से उठाने के लिए है। और ये फिर उसके बाद बॉर्डर की तरह हमको बना लेना है इस तरीके से, देख रहे हो। बहुत ही स्मूथली आपको हाथ से बनाना है, वरना बेंड हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। तो मैंने रेड का यूज़ किया, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैक साइड में कर दिया। तो ये भी एक फ्लावर हमारा रेडी हो गया। तो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं कल जो नया वीडियो लाऊंगा उस पर बहुत सारे फ्लावर्स और भी सिखाऊंगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है इसीलिए, देखो इतने सारे फ्लावर्स बना दिए मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए सबको टेक केयर।